एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद और मैं हूँ इस समय जामा मस्जिद के काफ़ी फेमस होटल और रेस्टोरेंट अल जवाहर में। और यहाँ पे मैं हुआ था जामा मस्जिद घूमने के लिए, तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पे आके टेस्ट किया जाए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर किया है चिकन जहांगीरी, और जिसका हाफ प्लेट का प्राइस है 230 रुपीज़ और फुल प्लेट का प्राइस है 425। और इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे चिकन बिरयानी, जिसका हाफ प्लेट है 230 का और फुल प्लेट है 450 का। और साथ में मैंने रोटी जो ऑर्डर करी है वो है तंदूरी रोटी, जो कि 10 रुपीज़ की एक है। और उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है रुमाली रोटी। तो जैसे ही मेरा खाना आता है मैं आपको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है खाना यहाँ पे, और आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हालाँकि मैंने नेट पर सर्च किया तो काफ़ी ओल्ड और काफ़ी फेमस है ये जो रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे खाया जाए। तो पहले खाना आने देते हैं, फिर खाना खा के मैं आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है खाना। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑर्डर किया था चिकन जहांगीरी, और ये है चिकन बिरयानी, और ये है तंदूरी नान, तंदूरी रोटी, और ये नीचे की तरफ रुमाली रोटी। तो सबसे पहले मैं खा के चेक करता हूँ, बताता हूँ कि कैसा है। सबसे पहले चेक करते हैं बिरयानी, नॉट गुड, टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बिरयानी का। ट्राई करने वाला हूँ तंदूरी रोटी जहांगीरी चिकन के साथ, और देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। टेस्ट काफी अच्छा है, टेस्ट है। अगर मैं बिरयानी और चिकन जहांगीरी की टेस्ट के बारे में बात करूं तो दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा था वो चिकन जहांगीरी था, और चिकन बिरयानी जो थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था टेस्ट उसके अंदर। पहली चीज़ तो ना कि गरम मसाला, ना बिरयानी मसाला, ना गरम मसाला, किसी भी मसाले का टेस्ट नहीं था। और दूसरी चीज़ जो चावल की जो क्वालिटी थी वो भी मेरे को बिल्कुल अभी अच्छी नहीं लगी थी। चावल खाने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थे, खाने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप एक बिरयानी खा रहे हो। इससे ज़्यादा बढ़िया तो हमारे घरों के अंदर जो चावल फ्राई होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर आप अल जवाहर रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो मैं तो यही सजेशन करूँगा कि उतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं लगा मुझे। और एक चीज़ जो और जो मुझे यहाँ की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि मैंने जो ऑर्डर किया था अलग चीज़, और उन्होंने मुझे बिल जो बना के दे दिया वो अलग चीज़ का मुझे बिल बना के दे दिया, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। आपको तो पता ही है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया था चिकन जहांगीरी, चिकन बिरयानी और रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी, लेकिन उन्होंने आप जैसे कि स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं अलग ही कुछ बिल बना के दे दिया था। इसमें मेरा ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था, जब मैंने पैसे लेने वाले से बोला कि मैंने ऑर्डर कुछ और किया, आपने बिल और बना के दे दिया और पैसे आप तो ज़्यादा जोड़ रहे हो, तो फिर उन्होंने बाद में कंसेशन किया। तो मैं यही आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो उतनी जितना बड़ा नाम है अल जवाहर रेस्टोरेंट का, उस हिसाब की से वहाँ पे जो खाने का टेस्ट नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो दैट प्लेस। हालांकि चिकन जहांगीरी का टेस्ट अच्छा लगा मेरे को, लेकिन सर्विस जो थी मुझे को उतनी अच्छी नहीं लगी। बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, और मैंने वहाँ से जब बोला उनसे कि जो चिकन बिरयानी थी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, सीधे मुँह
सर नीचे कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं, बस पैसे लिए अपने, बस हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप एक बढ़िया खाना खाना चाहते हो तो आई विल नॉट रिकमेंड टू गो दैट प्लेस। मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च करने के बाद वहाँ पर गया था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, और बस यही बातें बतानी थी आप सभी लोगों को। सो आई होप कि जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिली। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।